नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत। आप देख रहे हैं चैनल, आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का डेली टिकटर का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यूजुअली मंडे जो है संडे के न्यूज जो मैं यहाँ पे डालता हूँ सुबह सुबह, वहां पे ज्यादा न्यूज होता नहीं है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज लेके मैं फिर से एक बार आपके लिए आ चुका हूँ। तो और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरे गिव अवे में अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर रहे हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा अपने गिव अवे का, जिसमें आप जीत सकते हैं रियलमी बड्स एयर ट्रूली वायरलेस हेडफोन को। तो चलिए इसी बात को शुरू करते हैं, आज का डेली टिकटर का सीखते हैं कुछ नया। और आज का पहला न्यूज जो आ रहा है वो आ रहा है रियलमी की तरफ से। यहाँ पे खबरें ये आ रही है कि माधव सेठ ने कंफर्म किया है कि रियलमी काम कर रहा है एक 100 मेगापिक्सल के स्मार्टफोन के ऊपर। जी हाँ, आपने सही सुना है, रियलमी ने भी काम शुरू कर दिया है 100 मेगापिक्सल के स्मार्टफोन के ऊपर। अब यहाँ पे जैसे आपको पता है कि Xiaomi ने ऑलरेडी CC9 Pro और Mi Note 10 में 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वर्ल्ड में फर्स्ट लॉन्च कर दिया है। ऑलरेडी वो सुर्खियों में है, शायद वो जनवरी में इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है, लेकिन ये 100 मेगापिक्सल का फोन उसी का जवाब होने वाला है। तो आपको क्या लगता है 2020 के एंड तक हमको हाईएस्ट कितना मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, आप मुझे बताइए नीचे। और इसके बारे में कुछ भी न्यूज मिले तो मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने फ्यूचर के डेली टेक तरका के एपिसोड में। तो इसी बात पर चलिए चलते हैं अपने अगले न्यूज पे। और दोस्तों खबरें आ रही है Xiaomi की तरफ से, और यहाँ पे जो पोको, जो बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे थे कि पोको F2 आएगा और उसका पूरा 2019 दिया, कोई न्यूज जो है उसका आया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एल्विन सी जो ग्लोबल हेड है पोको डिवीजन के, उन्होंने एक ट्वीट पे एक रिप्लाई देके उन्होंने जवाब दे दिया है कि पोको का कुछ नया फोन जो है 2020 में हमको मिलने वाला है। तो इस ट्वीट के हिसाब से फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया है पोको सीरीज, और हमको लग रहा है कि पोको F2 ही होने वाला है। इसके बारे में कुछ भी न्यूज मिले तो सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल पे उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगा। तो इसी बात पर चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल नोटिफिकेशन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज पे। और दोस्तों खबरें आ रही है फिर से एक बार रियलमी की तरफ से कि यहाँ पे कुछ दिन पहले ही जो रियलमी X2 लॉन्च हुआ, उसके पहले जो प्रो वर्जन रियलमी X2 प्रो का लॉन्च हो गया था, उसमें यहाँ पे एक नया वेरिएंट जो है रियलमी X2 प्रो का रियलमी लॉन्च कर रहा है इंडिया में। जी हाँ, यहाँ पे 6GB और 64GB का एक वेरियंट जो है बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। प्राइसिंग की बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे प्राइसिंग जो था 8GB 128GB का प्राइसिंग इंडिया में था 29,999 रुपीज, वहीं पे 12GB 256GB का जो प्राइसिंग था वो था 33,999 रुपीज। अब यहाँ पे 6GB 64GB का प्राइसिंग जो है वो रखा गया है 27,999 रुपीज। ये एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में Realme के ही CEO माधव सेठ ने कंफर्म कर दिया है। तो ये शायद जनवरी में ही आ सकता है टक्कर देने के लिए Redmi K30 को। देखना पड़ेगा क्या होता है, मैं आपको इतला कर दूंगा इसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज पे। और दोस्तों अगला न्यूज आ रहा है Vivo की तरफ से, क्योंकि Vivo भी पीछे रहना नहीं चाहता है। इंडिया का मार्केट में वो बहुत ही फोकस आजकल कर रहा है और मार्केट शेयर जो है उसका कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली जो है वो ग्रोथ पे है। और यहाँ पे खबरें ये आ रही है कि Vivo जो है S1 Pro को इंडिया में लॉन्च करने वाला है इसी महीने, मतलब जनवरी में। तो यहाँ पे देखने लायक ये है कि इतना पुराना फोन जो ऑलरेडी मई में लॉन्च किया था चाइना में, वो फोन अभी इंडिया में फाइनली वो ला है, तो ये कितना इसको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 675 प्रोसेसर से बहुत सारे फोन Vivo के ही मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि U10, जैसे कि अभी रिसेंट लॉन्च हुआ U20 और साथ ही साथ में V17 और V17 Pro। तो आपको क्या लगता है अगर फिर से एक बार 20 या 18 के रेंज में ये फोन आ जाए तो वो क्या मार्केट में कुछ नया तहलका मचा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रियर में आपको मिल रहा है ट्रिपल रियर कैमरा और फ्रंट में आपको मिल रहा है पंच होल के अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। आप मुझे बताइए अगर ये फोन 20,000 के रेंज में लॉन्च हुआ तो आप इसको लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे। चलिए कुछ भी न्यूज मिली इसके लॉन्च डेट के बारे में, मैं आपको जरूर इसके बारे में इत्तला कर दूंगा, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज के ऊपर। और दोस्तों आज का आखिरी न्यूज मैं खत्म करना चाहूंगा Huawei से। इंडिया में Huawei ज्यादातर उतना मार्केट पेनिट्रेशन नहीं कर पाया है, लेकिन ये एक ब्रांड ऐसा है जो मेरे बहुत करीब है, क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं और वो क्षमता रखते हैं गूगल से और US गवर्नमेंट से आंख मिला के उसको चैलेंज करने की। और यहाँ पे खबरें ये आ रही है कि सैमसंग S11 को टक्कर देने के लिए Huawei लॉन्च करने वाला है Huawei P40 सीरीज में, जिसमें आपको मिलने वाला है 10x का पेरिस्कोपिक जूम। यहाँ पे खबरें ये आ रही है कि शायद यहाँ पे प्रिज्म और जो टू मिरर्स यहाँ पे फोन पे कैमरा में यूज होता है
वो दोनों पे ही आपको 10x ऑप्टिकल जूम मिलने वाला है, जिसमें आपको फील्ड ऑफ व्यू और डेप्थ ऑफ व्यू दोनों ही कमाल के मिलने वाले। तो आपको क्या लगता है 10x ऑप्टिकल जूम के साथ Huawei का P40 कितना चैलेंज दे पाएगा Samsung Galaxy S11 को, आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट में। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं आज का डेली टिप्स का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में मेरे गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक उसका मिल जाएगा, अभी जाके उस वीडियो को देखिए और उसमें जो बताया गया है उसको फॉलो कीजिए और आप जीत सकते हैं एक रियलमी का बड्स ईयर। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले एपिसोड पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।